हे व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड की कुछ नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ, और ये नेगेटिव पॉइंट वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं उन लोगों की हेल्प करेंगे जो अभी बाइक लेने की सोच रहे हैं या प्लानिंग में हैं, स्टैंडर्ड लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों की हेल्प करेंगे ये सोचने में कि ये बाइक उनके लिए सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो जो भाई लोग मेरे इस चैनल पे इस वीडियो पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी हिट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ गाइस, तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका, वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि मेरे को लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर ध्यान देना चाहिए, वो है इसका सिंगल चैनल ABS का होना। जहाँ कि आज के मार्केट में हर गाड़ियों में डुअल चैनल ABS आ रहा है, वहाँ पे सिंगल चैनल ABS दे रही है। और साथ में एक और प्रॉब्लम है इसमें कि फ्रंट में इसका डिस्क ब्रेक है और रेयर में इसको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कराती है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब आप टॉप स्पीड में, हाई स्पीड में राइड करते हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, फ्यूल गेज का ना होना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे की स्लॉट का दिया गया है, ये स्पीडोमीटर टैकोमीटर, यहाँ पे ABS सेंसर की लाइट है, इंजन सेंसर की लाइट है, और बगल में एक फ्यूल इंडिकेटर की लाइट दी गई है। ये सिर्फ इतना काम करती है जब आपके बाइक का फ्यूल लेवल 3-3.5 लीटर के आसपास में आ जाता है तब ये लाइट ब्लिंक करती है, तब ये लाइट जलती है, अदरवाइज़ ये लाइट नहीं जलती, बंद रहती है, जिससे आपको एक्यूरेट ये नहीं पता चल पाता है कि आपके गाड़ी के टैंक में फ्यूल कितना है। और ये प्रॉब्लम तब फेस करने को मिलती है जब आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे होते हैं और आपको पता नहीं रहता है कि आपके टैंक में फ्यूल कितना है, तब ये प्रॉब्लम काफ़ी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। और तीसरा जो पॉइंट है, ये भी मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, इसका ट्यूब टायर का होना। जैसा कि आज के मार्केट में सभी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आ रहा है, 160 cc से ऊपर की जितनी भी गाड़ियां हैं सब में ट्यूबलेस टायर आ रहा है, बट रॉयल इनफील्ड अभी भी अपनी स्टैंडर्ड 350 में ट्यूब टायर का इस्तेमाल कर रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तब फेस करने को मिलती है जब आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएँ जहाँ पर कोई पंचर की शॉप ना हो और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। तो रॉयल इनफील्ड वालों को इस पर भी काम करना चाहिए। चौथा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरे को ऐसा लगता है, कोई मेजर पॉइंट तो नहीं है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि काश होता तो काफ़ी अच्छा होता। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें किक दिया हुआ है, अगर किक के साथ रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 में अगर सेल्फ ही प्रोवाइड करा देती कंपनी तो इसका क्या बिगड़ जाता। मतलब प्राइस रेंज 2,20,000 और ओनली किक, सेल्फ मिसिंग है, तो सेल्फ ही अगर प्रोवाइड हो जाती तो काफ़ी अच्छा हो जाता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवा पॉइंट है इसका हैलोजन लाइट का होना। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट हेडलाइट, चारों इंडिकेटर और टेल लाइट्स हैलोजन टाइप के हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे को लगता है कि अगर LED में होते तो काफ़ी अच्छा होता, बैटरी की लाइफ काफ़ी अच्छी होती। तो गाइस ये तो रही रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेगी बाइक लेने के टाइम पर। बट मेरी अगर माने, आप मेरी राय चाहते हैं, मेरी क्या राय है, मेरी क्या एडवाइस है, तो देखो गाइस मैंने तो लिया स्टैंडर्ड और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन प्रॉब्लमों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस बाइक की तरफ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है जिसको मोटर बाइक की इंडस्ट्री में आज भी कोई भी बाइक बीट नहीं कर सकती है। और मोटर बाइक की इंडस्ट्री में आज के समय में रॉयल इनफील्ड बड़ा ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिसको और कोई भी ब्रांड बीट करने की सोच भी नहीं सकता है। और ये एक ऐसी बाइक है जिसको राइड करके आप राजा महाराजा किंग वाली फीलिंग ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये सोचने के लिए कि इस बाइक को आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट राइड में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।